कहते हैं ना कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता, तो किस तरह से आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो साझा करें। इंटरेस्टिंग, अभी इस वक्त तो हम गए यहाँ पे अपने चाइना में बेस कैंप पे, वहाँ पे एकदम हमको पहले दिन ही 17,000 फीट की हाइट हमको अचीव करनी थी। रोड मैप भी तैयार किया जाता है आपकी तरफ से कि अगर बाई चांस कहीं पर भी जाना XYZ तो उसका रोड मैप पहले से ही? हाँ बिल्कुल, सारा जो भी जिस रूट पे जाना है उसका पूरा पहले गूगल मैप पर साथ में डाउनलोड करके। कहते हैं कि एक शौक हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। आज हम मिलवाने जा रहे हैं चंडीगढ़ के एक ऐसे कपल से जो पिछले करीब 10 साल से अलग अलग कंट्रीज घूमे हैं और वो भी अपनी गाड़ी में ड्राइविंग की है, साउथ अफ्रीका और दूर दूर जो कंट्रीज हैं वो घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, और किस तरह से उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि एक शौक होता है, शौक का कोई मूल्य नहीं होता, और आज उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस होता है, किस तरह से वो मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है कि काफी लंबे लंबे ट्रैवल करना, ड्राइविंग खुद करके अलग अलग कंट्रीज में जाना, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, वहां का कल्चर, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का एटमॉस्फेयर सब कुछ अलग होता है, लेकिन खुद ड्राइविंग करके किस तरह से जो है दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शौक है कि ड्राइविंग करनी है, एडवेंचर जो है वो ट्रैवलिंग करनी है। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं, उनकी वाइफ रेखा गुप्ता जी जुड़े हैं। सर सबसे पहले तो News18 पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। प्रदीप जी, एक शौक, कहते हैं ना कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता, तो किस तरह से आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो साझा करें। देखो जी, शुरू से ट्रैवलिंग का काफी शौक है मेरे को, और बहुत अच्छी बात है कि मेरी वाइफ भी इस चीज में मेरा हाथ बटाती है। हालांकि इसको निकलने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, पर एक बार जब निकल जाती है तो सड़क पे फिर उसके बाद ये पूरा दिल लगा के मेरे साथ ट्रैवल करती है। सो जो एक्सपीरियंस हमको ड्यूरिंग ट्रैवल और जो फ्रेंड्स हमारे ड्यूरिंग ट्रैवल बने हैं वो शायद लाइफ में पॉसिबल नहीं होते अगर हम ट्रैवल ना करते होते। और बाकी जो कंट्रीज की कल्चर है, जो बड़े बड़े टाउन है वो तो सब एक ही तरह के बने हुए हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, चर्चेज हैं, लेकिन जो असली देखने वाला है, जो नेचर है, वो तो सिर्फ सड़क के ऊपर ही। जब आप ट्रैवल करते हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप ट्रैवल करते हो, तभी आप नेचर देख सकते हो, उस कंट्री की कल्चर देख सकते हो, उस कंट्री का खाना पीना पहरावा तभी नजर आता है जब आप, क्योंकि सर काफी कुछ डिफरेंट होता है, हालांकि तस्वीरें तो सेम होती है लेकिन उनका खान पीन, एनवायरमेंट। हाँ, जैसे बड़े बड़े शहरों तो वही होटल हो गए जी, वही लोगों का पहरावा एक ही तरह के हो गए, लेकिन असली कल्चर देखने के लिए वहां का आप बाई रोड जाना बहुत जरूरी हो जाता है। और बाकी मैं सोचता हूँ कि जो हमारा आपस का बॉन्ड जो एक ड्यूरिंग रोड ट्रैवल बनता है हमारे हस्बैंड वाइफ का, जो हमको मौका मिलता है 10-15-20 दिन 25 दिन महीना 2 महीने इकट्ठे बिताने का, 24 घंटे सुख दुख में इकट्ठे रहने का, उससे जो हमारा एक स्ट्रांग बॉन्ड बनता है वो चीज बहुत अहम, बहुत अहम हो जाती है। सर सबसे पहला कहाँ का एक्सपीरियंस आपका और कितने दिनों? हाँ, सबसे पहले हम गए थे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहाँ पे हमने कार हायर करके तकरीबन 20 दिन ड्राइव किया। सो वहाँ का एक कोस्टल रूट है उनका बहुत फेमस ऑस्ट्रेलिया का, सो वो हमने कवर किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद फिर हमने हिम्मत करी साउथ अफ्रीका की, हाँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो एक ही बार में किया, फिर उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका का अपना ट्रिप लगाया। सो वो भी बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद भी कुछ मन में था, नहीं इससे भी कुछ और ज्यादा किया जाए, तो फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ से लंदन जाने की। तो फिर 2018 में हम दोनों इनोवा कार के ऊपर यहाँ से लंदन गए। 56 दिन ट्रैवल किया हमने, 18 कंट्रीज क्रॉस करी और तकरीबन 26,000 किलोमीटर हमने ड्राइव किया। सो दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अलग अलग जगह के ऊपर रहना, कहीं पे टेम्परेचर माइनस में, कहीं पे प्लस में, हर तरह के एटमोसफियर के साथ, हर तरह के खाने के साथ। रेखा वेजिटेरियन होने के वजह से इनको काफी खाने की दिक्कतें रहती हैं, लेकिन कुछ अपना सामान ले जाते हैं, कुछ अपना खाना मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी मिल जाए तो हमको कभी कमी महसूस नहीं होती खाने की, क्योंकि मेन हमारा जो मकसद होता है वो घूमने फिरने का होता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मैम, जैसे सर ने बताया, हालांकि दिक्कतें तो होती हैं लेकिन उनको भी बिल्कुल इग्नोर किया। हाँ जी बिल्कुल जी, आई कैरी माई टी, मतलब सामान चाय का ले जाते हैं, चाय पी के खुश हो जाते हैं हम लोग।
तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, सर ने बताया कि दोनों की बॉन्डिंग भी और ज्यादा बढ़ जाती है। जी वो तो है ही जी, 24 घंटे इकट्ठे रहना, कभी खाने को ले लिया, कभी पीने को ले लिया, कभी म्यूजिक सुन लिया, कभी गाने गा लिए, कभी कुछ कर लिया, बस ऐसे करके हंसते खेलते अलग ही एक टाइम होता है जो हम बिताते हैं, जो कि घर पे ज्यादा कह सकते हैं कि इतना दूर का ट्रैवल करना एक बड़ी बात है। हाँ जी वो तो होती है जी, लेकिन इनका साथ होता है, भगवान की कृपा होती है तो हो जाता है, भगवान जी को अंग संग रख के चल पड़ते हैं। ये बहुत जरूरी है सर। एक चीज और है कि क्या क्या दिक्कतें, जो क्योंकि प्रोटोकॉल भी काफी कुछ कहता है, प्रोसेस हो गया या फिर ऐसे जो कुछ तो ड्राइविंग के, हालांकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में वैसे ही ड्राइविंग है जैसे अपने इंडिया में है, बट तब भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी डिफरेंट है कि क्रॉसिंग के ऊपर किसका पहला राइट है किसका बाद में राइट है, वो चीज एकदम जाके फॉलो करनी हर कंट्री में अलग अलग थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। बाकी खाने पीने की दिक्कत रहती है, हमेशा चैलेंज रहता ही है वेजिटेरियन होने की वजह से इनको, तो बाकी जो फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं कस्टम की, उसमें मैंने देखा कि कस्टम ऑफिसर्स आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, हमेशा काफी कोऑपरेटिव होते हैं, उनको भी पता कि एडवेंचर करने आए हैं तो ऐसे कभी कोई मेजर दिक्कत कहीं ऐसा कुछ हुआ है कि रोका गया आपको या फिर कुछ दिक्कतों का सामना? नहीं ऐसा कभी नहीं, पुलिस ने कभी अगर रोका है चेकिंग करने के लिए रूटीन के कागज देख के छोड़ देते हैं, पर ऐसा कभी कोई मेजर कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारे बड़े कोऑपरेटिव एंड वी ओबे द रूल्स, हम ना नियम अपना पालन जरूर करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए, गाड़ी को भी देखते रहते हैं कि कुछ दिक्कत ना होए गाड़ी में भी, तो टाइम सर ये गाड़ी की सर्विसेज क्योंकि लगातार कई किलोमीटर्स चलनी है, हजार किलोमीटर चलनी है, तो इनकी सर्विसेज को लेकर इनकी मेंटेनेंस को लेकर वो पहले प्लान करके कि कितने किलोमीटर का ट्रिप है उसके हिसाब से पहले ही प्लान करके जाते हैं कि इसकी सर्विस करवा के कौन कौन से पार्ट साथ में कैरी करने हैं, कोई ऐसे पार्ट्स जिनकी ज्यादा वेयर एंड टियर होती है वो हमेशा साथ में हम कैरी करते हैं, और जैसे लंदन जाने के लिए 26,000 किलोमीटर का था वहां पे सब अपना मोबाइल ऑयल और ब्रेक पैड्स और विंड स्क्रीन के वाइपर वो सारे साथ लेके जाते हैं, एसेंशियल्स जो है जैसे अपना पंप हो गया, टो चेन इज वेरी एसेंशियल कि कभी आपकी गाड़ी कहीं भी फंस गई खराब हो गई तो उसको खींचने के लिए निकालने के लिए वो चीज जरूरी होती है। ठीक है इसके साथ साथ हाँ इसके साथ और कुछ खास नहीं, बस जो कुछ ऐसे पार्ट्स हो गए, और गाड़ी हमेशा कोशिश होती है कि अच्छी नई गाड़ी ही लेके जाए जाए कि पुरानी गाड़ी में इस टाइप का रिस्क हो जाता है। हाँ, वो गाड़ी लेते हैं जो ऑल ओवर इंडिया जिसकी सर्विस अवेलेबल होती है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मारुति की टोयोटा वगैरह की तो हर जगह अवेलेबिलिटी है सर्विस की, दैट्स व्हाई ना। तो ऐसा कई कुछ इंटरेस्टिंग रहा है कुछ ऐसे आपके ट्रैवलिंग में इंटरेस्टिंग? अभी इस वक्त तो हम गए यहाँ पे अपने चाइना में बेस कैंप पे, वहाँ पे एकदम हमको पहले दिन ही 17,000 फीट की हाइट हमको अचीव करनी थी, तो वहाँ जाके ऑक्सीजन की कमी से देखा कि तबीयत काफी खराब हो गई, तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर था कार में, तो ये तकरीबन दो दिन ऑक्सीजन के ऊपर ही अपना करती रही, इसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और इसने कहा कि मैं आगे ट्रेवल नहीं कर पाऊंगी, तो इसकी रिटर्न फ्लाइट फिर मैंने दो दिन के बाद लासा जाना था हमको, तो वहां से इसकी रिटर्न फ्लाइट बुक करवा दी थी मैंने, तो लेकिन दो तीन दिन के बाद इसने भी थोड़ा सा हौसला हुआ इसको, तो इसने कहते नहीं भी मैं फाइट करूंगी, फिर से जाएंगे, मैं फाइट करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, और शी कंटिन्यूड द जर्नी विद मी और सक्सेसफुली हम दोनों ठीक। यानी कि एक मैम एक होता है ना शौक, यानी कि तबीयत खराब हो जाए लेकिन हाँ जी फिर भी कैरी ऑन किया मैंने, कर नहीं अकेले, इनके लिए भी मुश्किल था, 7-8 दिन का रास्ता था वापसी का भी, तो मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई, भगवान का सहारा, लेकिन मैंने कहा चलो चलते हैं। सर एक रोड मैप भी तैयार किया जाता आपकी तरफ से कि अगर बाई चांस कहीं पर भी जाना एक्स वाई जेड तो उसका रोड मैप पहले से ही? हाँ बिल्कुल सारा, जो भी जिस रूट पे जाना है उसका पूरा पहले गूगल मैप पर साथ में डाउनलोड करके उसकी प्लानिंग करके कि कहाँ कहाँ पे रात को रुकना है, उसकी होटल स्टेज, कुछ कंट्रीज में हमको बहुत प्रॉब्लम आई, जैसे एक बार न्यूजीलैंड में हम रात को हमने होटल बुक नहीं करवाया कि वहां जाके हम बुक करवा लेंगे, जब 6:30 बजे पहुंचे उस शहर में तो बिल्कुल सब होटल्स बंद, तो एक बार तो हमको लगा कि आज रात को शायद कार में ही सोना पड़ेगा, घूमते रहे इधर उधर, हर होटल के बाहर जाके दरवाजा खड़काया पर किसी ने नहीं खोला, क्योंकि वहां पे 6:30 बजे सब लोग बंद कर देते हैं अपना होटल। फिर रात को 12 बजे जाके एक कहीं पे पार्टी चल रही थी होटल में, वहां पे हमको खिला मिला और हमको सोने की जगह मिली, अदरवाइज हमको भी शायद रात कार में ही बितानी पड़ती। तो आगे की क्या प्लानिंग है, अब कहां की जाने की तैयारी? हाँ अभी दो तीन जगह और है जो
रोड मैप तैयार हो? हाँ, रोड मैप है, कुछ बकेट लिस्ट है हमारी, जहाँ पे जाना है तो देखो, जब भी मौका मिलेगा हमको, महीने दो महीने में तीन महीने में जब भी मौका मिलेगा। मंगोलिया का एक बहुत अच्छा रोड ट्रिप होता है, काफी लोग जाते हैं, सब वो हमारे बकेट लिस्ट में है कि अगला। कितने लोग होते हैं जब आप लोग जाते हैं तो? कितना? अलग अलग साइज के ग्रुप होते हैं। अभी जैसे रशिया गए थे हम स्नो ड्राइव पे, वहाँ पे हमारा नौ और पांच गाड़ियों का ग्रुप था, और अभी जो चाइना जाके आए हैं वहाँ पे 11 गाड़ियां और 22 आदमी का ग्रुप था। तो एक तो जो सबसे मेजर बेनिफिट होता है कि जहाँ पे आप 10-15-20 दिन एक ग्रुप के साथ ट्रेवल करो, वहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड डेवलप हो जाता है कि लाइफ लॉन्ग एक फ्रेंडशिप, मेरा जितना सर्कल है अब सारा उन्हीं लोगों के साथ है जो हमारे रोड ट्रिप के साथ रहते थे। वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि एक तो लाइक माइंडेड होते हैं, उनको भी शौक और उनका पागलपन भी हमारे जैसा ही होता है ट्रैवल करने का, पूरा एक बॉन्डिंग बन जाता है। हाँ, एक बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है।